हाय एवरीवन, वेलकम टू एडुकेशन इन योर हैंड्स। हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने क्लास सेवन्थ के हिस्ट्री के एनसीईआरटी, और आज हम करेंगे उसका चैप्टर नंबर 8 जो कि डिवोशनल पाथ्स टू द डिवाइन। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था बहुत सारे सेंट्स के बारे में जो कि साउथ इंडिया में थे, महाराष्ट्र में थे, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस्लाम और सूफिज्म के बारे में सबसे पहले, उसके बाद इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो जैसे हिंदुइज्म में सेंट्स होता है, मुस्लिम में सूफीज होते हैं, ठीक है। तो सूफीज का ये मानना था कि आप अपना कंप्लीट डिवोशन दिखाइए गॉड को, और अपने जो भी फेलो ह्यूमन बींग्स हैं उनको आप कंपैशन दिखाइए, आप सही तरीके से उनको बिहेव कीजिए, उनके साथ रहिए, ठीक है। तो बहुत हद तक सूफीज और सेंट्स जो है एक दूसरे के आइडिया से जो है बोल माना जाता है कि एक दूसरे के आइडिया से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, इसी वजह से बहुत सारा आइडियाज एक दूसरे से मिलता भी है। तो जो सूफीज थे वो एक गॉड को मानते हैं और वो लोग एक साथ प्रेयर भी करते हैं। जितने मॉस्क होते हैं वो लोग अल्लाह को प्रेयर करते हैं जो कि एक गॉड होता है, ठीक है, और साथ में लोग प्रेयर करते हैं, ठीक है। और ये इन्होंने भी आइडल वर्शिप को रिजेक्ट कर दिया था। इसके अलावा जो मुस्लिम स्कॉलर्स थे उन्होंने एक लॉ बनाया था, शरियत, ठीक है, शरियत बनाया था। और जो सूफी थे उन्होंने बहुत सारे कोड ऑफ बिहेवियर को जो है रिजेक्ट भी कर दिया था जो कि स्कॉलर्स ने बनाए थे। जो सूफीज थे वो ये मानते थे कि आप जो है गॉड को आप अपना डिवोशन दिखा सकते हैं कि बिना समझे कि बाकी वर्ल्ड आपके बारे में क्या सोच रही, कैसे करना है, आप अपना आराम से डिवोशन दिखाइए। और जैसे सेंट पोएट्स होते थे वो अपना पोएम्स वो करते थे, उसी तरह सूफीज भी अपने पोएम्स, मतलब जितनी भी फीलिंग्स होती थी, डिवोशन होता था, अपने पोएम्स में दिखाते थे। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं सेम हैं, जैसे कि जो ह्यूमन बींग्स, फेलो ह्यूमन बींग्स हैं उनके साथ अच्छे तरीके से बिहेव करना, गॉड के ऊपर डिवोशन, ठीक है, रिजेक्शन ऑफ आइडल वर्शिप, इसके अलावा पोएम्स करना। कुछ डिफरेंसेस भी हैं, जैसे कि हिंदूज में बहुत सारे गॉड्स थे, मुस्लिम्स में थोड़े एक ही गॉड हैं, ठीक है, यहाँ कलेक्टिव प्रेयर्स पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, ठीक है। तो ये सब कुछ सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस थे। तो उसी में से बहुत कुछ सूफी जो बहुत ज़्यादा फेमस थे वो थे गजली, रूमी और सदी, ठीक है। जैसे हिंदू सेंट्स का मानना ये था कि आप अपने बॉडी को ट्रेन कर सकते हो, अपने हार्ट को ट्रेन कर सकते हो कि आप किस तरह से ब्रह्मांड को देखते हो, यूनिवर्स को देखते हो, उसी तरह सूफीज का भी ये मानना था कि आप अपने हार्ट को जो है ट्रेन कर सकते हो कि किस तरीके से आप वर्ल्ड को देखते हो। तो उस तरीके से जैसे सेंट्स थे वो क्या करते थे, मेडिटेशन करते थे, योगा करते थे, ठीक है, उसी तरीके से सूफीज भी अपना नए नए मेथड्स निकाले थे जिसमें था चैंटिंग, सिंगिंग, डांसिंग, ब्रेथ कंट्रोल, और ये सब करते थे अंडर अ मास्टर, अंडर अ गाइड, मतलब विद द गाइडेंस ऑफ अ मास्टर जिसको पीर भी बोला जाता था। तो इससे क्या हुआ, सिलसिलास आया, ठीक है। ये एक टर्म है जो कि सूफी टीचर्स के लिए यूज़ किया जाता था, और सारे सिलसिलास जो है थोड़ा थोड़ा डिफरेंट अपना मेथड लगाते थे, तरीका लगाते थे, ठीक है। जो भी अपना इंस्ट्रक्शन पास करना है, रिचुअल प्रैक्टिस देना है, हर एक सिलसिला का थोड़ा थोड़ा अलग होता था, लेकिन मोर और लेस सेम होता था। तो क्या हुआ, 11th सेंचुरी के बाद से बहुत सारे सूफी जो कि सेंट्रल एशिया में थे वो धीरे धीरे हिंदुस्तान में सेटल करने लगे, इंडिया में सेटल करने लगे। और जब दिल्ली सल्तनत हुआ, स्टार्ट हुआ उसका, तो ये प्रोसेस थोड़ा और ज़्यादा होने लगा। जो चिश्ती सिलसिला है, ठीक है, जो चिश्ती सिलसिला, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल ऑर्डर ये था। और इसमें आपको बहुत सारे टीचर्स देखने को मिलेंगे जो कि अजमेर के थे, दिल्ली से थे, पंजाब में थे, ठीक है। आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स आपको चिश्ती सिलसिला से देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो सूफी मास्टर्स होते थे जिनको पीर भी बोला जाता था, वो अपने जितना भी असेंबली है वो अपना रखते थे कान खास में या फिर हॉस्पिसिस में, ठीक है। ये हॉस्पिसिस कान खास होता है एक, जैसे कि बहुत सारे लोग आए उनको रेस्ट करना है, ठीक है, जो ट्रैवलर्स होते हैं उनको रेस्ट करना है, एक तरीके से होटल टाइप का चीज़, ठीक है। तो जितने भी डिवोटीज हैं वो सब लोग कान खास में चले जाते थे। अब जैसे हम मानते थे कि अपने ब्राह्मण्स जो थे, ठीक है, बहुत सारे लोग मानते हैं कि ब्राह्मण्स के पास स्पेशल पावर्स होते थे, उसी तरह सूफी मास्टर्स के पास भी माना जाता था कि स्पेशल पावर्स होते थे जो कि जितने भी इलनेस है, ठीक है, ट्रबल है, सबको ख़त्म कर सकते हैं। इसके अलावा जो सूफीज का टोम्ब होता था, ठीक है, या दरगाह होता था, वो एक पिलग्रिमेज साइट भी बन जाता था बहुत सारे लोगों के लिए। तो इस्लाम और सूफिज्म जो है आप कह सकते हो कि 11th सेंचुरी से इंडिया में आना स्टार्ट हुआ था। इस्लाम और मतलब जो हिंदुइज्म और सूफिज्म है, ठीक है, ये दोनों के बहुत सारे आइडियाज़ जो है मैच करते हैं, ठीक है, चाहे वो मास्टर्स का हो या जो ब्राह्मण्स हैं, सूफीज हैं, उनके पास स्पेशल पावर्स हो,
जो उनका थॉट प्रोसेस हो, बहुत सारी चीज़ें जो है मैच करती हैं. कुछ डिफरेंसेस भी हैं इससे, थोड़े अलग अलग हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से इन्फ्लुएंस्ड है ये दोनों की. ठीक है, तो हम अभी तक देख रहे हैं कि बहुत सारे रिलीजियस प्रैक्टिसेस इंडिया में हो रहे हैं. ठीक है, इस्लाम है, हिंदुइज्म है, सूफिज़म है, नाथ पाथ्स है, सिद्धार्थ है, योगीस है, ये सब एक दूसरे को ऑब्वियसली बात है साथ में रहेंगे तो इन्फ्लुएंस करेंगे. अब जो लोग रहते थे, कॉमन पीपल होते थे, क्राफ्ट पर्सन्स हो गए, फार्मर्स हो गए, ट्रेडर्स हो गए, वो लोग इन लोगों को सुनते थे. अब जब इन लोगों को सुनते थे, एक दूसरे से दूसरी जगह जाते थे तो इनके आइडियाज़ को भी स्प्रेड करते थे. अब कुछ लोग थे जैसे कबीर और गुरु नानक देव, वो पूरी तरीके से इनके आइडियाज़ को रिजेक्ट कर चुके थे. और कुछ लोग थे जैसे तुलसीदास और सूरदास, जिन्होंने इनके आइडियाज़ को एक्सेप्ट किया था. वो चाहते थे इनको और ज़्यादातर लोगों तक पहुँचाया जा सके. तो जो तुलसीदास थे वो राम जी के बहुत बड़े भक्त थे. उन्होंने कॉम्पोजिशन भी लिखा था रामचरितमानस, जो कि इम्पॉर्टेंट है दो चीज़ों की वजह से. एक, उनका डिवोशन दिखाता है, और एक, वो की बहुत अच्छी बुक है इसलिए भी. दूसरे जो सूरदास थे वो है कृष्ण जी के भक्त, और उन्होंने कंपाइल किया अपना कॉम्पोजिशन को बहुत सारी चीज़ों में, जैसे सुर सगरा, सुर सरवाली और सहित्र लहारी, जिनमें अपना डिवोशन इन्होंने दिखाया है. तो कुछ लोग जैसे कबीर और गुरु नानक देव, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, वो लोग जो है पुराने रिलीजियस को जो है रिजेक्ट कर चुके थे, और कुछ लोग जो है एक्सेप्ट जो कर चुके थे वो चाहते थे इसको और ज़्यादा फैलाया जाए. इन दोनों के अलावा शंकर देवा जो है असम के थे, उन्होंने भी बहुत अपना डिवोशन दिखाया था लॉर्ड विष्णु को. अब असम के थे तो ऑब्वियसली बात है इनका जो कॉम्पोजिशन होगा वो असमीज लैंग्वेज में होगा. और इन्होंने नामगढ़ भी सेटअप किया था, मतलब एक ऐसी जगह, एक ऐसा घर जहाँ पे सब लोग मिलके प्रेयर करते, अपना डिवोशन दिखाते हैं. इनके अलावा दादू दयाल, रविदास, मीराबाई, ये सब भी इम्पोर्टेंट थे. मीराबाई जो है वो एक राजपूत फैमिली से बिलोंग करते हैं, राजपूत प्रिंसेस हैं. ठीक है, ये एक शिष्य बनती हैं रविदास की. रविदास जो है एक अनटचेबल कास्ट के एक सेंट हैं. ठीक है, तो जो मीराबाई हैं ये लॉर्ड कृष्णा की बहुत बड़ी भक्त होती हैं, और ये भजन कंपोज करती हैं उन्हीं के नाम पर. और इनका जो भजन होता है वो चैलेंज करता है अपर कास्ट को, और ये राजस्थान और गुजरात में बहुत ज़्यादा फेमस होती हैं. अब इन सब लोगों का जो कॉम्पोजिशन है, जो वर्क है, ठीक है, चाहे वो मीराबाई हो, चाहे शंकर देवा हो, तुलसीदास हो या सूरदास हो, इनका कॉम्पोजिशन जो जनरेशन टू जनरेशन पास होता रहा है. और जो बाकी कल्चर्स होते थे, ठीक है, जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर होते थे, वुमेन होते थे, वो धीरे धीरे जो है इसमें थोड़ा थोड़ा अपना एक्सपीरियंस जो है लाते रहे. तो इसकी वजह से जो है वो कल्चर बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता गया, और जो सॉन्ग्स बनते थे उस टाइम वो बहुत ज़्यादा इस पे बेस्ड होते थे. ठीक है, जो अलग अलग लोग होते थे वो अपना थोड़ा बहुत आइडियाज़ इनके आइडिया से मिला के सॉन्ग्स बनाते थे, और वो धीरे धीरे चेंज होते होते आज वो जो हम लोग सुन रहे हैं वो सुन रहे हैं. ठीक है, तो इस टाइप से धीरे धीरे नॉर्थ इंडिया में डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ था. ठीक है, हमने देखा कि कुछ लोग थे जो कि पूरी तरीके से रिजेक्ट कर लिए थे, जबकि कुछ लोग थे जो कि बहुत ज़्यादा डिवोटेड थे और चाहते थे कि और ज़्यादातर लोगों तक पहुँचे. और इनका जो काम था, इनका जो पोएम्स था, ठीक है, वो धीरे धीरे सॉन्ग में चेंज होता गया. और सॉन्ग में चेंज तो हुआ, इसके साथ साथ लोकल फ्लेवर भी आया, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत चेंजेस और आने लगा, और आज के टाइम में बहुत ज़्यादा पॉपुलर बन गया. अब हम लोग बात करते हैं कबीर के बारे में. तो कबीर जो थे वो एक स्मॉल मुस्लिम फैमिली बनारस में पैदा हुए थे. ठीक है, वो मुस्लिम वीवर्स थे, जिनको जुहास भी बोला जाता है. ठीक है, इनका जो जितने भी वर्सेस होते थे, जो पोएम्स होते थे, कह सकते हो एक तरीके से, या कबीर के दोहे आपको कहने चाहिए, ज़्यादा अच्छा है. ठीक है, सखीज पज, ये सब से हम लोग को पता चला है, ऐसे इनके बारे में ज़्यादा हमें नॉलेज नहीं है. इसके अलावा जो भजन सिंगर्स होते थे, ठीक है, जो कि अगल बगल गाते थे इनके दोहे, उनसे ये सब चीज़ें पता चली हैं. और इनके वर्क को प्रिजर्व कर दिया गया है गुरु ग्रंथ साहिब में, पंचवाणी में और बिजाक में. तो जो कबीर थे वो यूज़ करते थे जनरली हिंदी लैंग्वेज को, जो कि ज़्यादातर लोग स्पीक करते थे, जो बोलते थे, और कभी कभार वो क्रिप्टिक लैंग्वेज भी बोलते थे, जो कि थोड़ी डिफिकल्ट होती थी फॉलो करने में. लेकिन अगर उनकी टीचिंग्स के बारे में बात किया जाए तो ये तो हमें पता है कि उन्होंने पूरी तरीके से हिंदुज़म, इस्लाम को जो है रिजेक्ट कर दिया था. ठीक है, उनकी टीचिंग्स ये बताती है कि जो गॉड है वो फॉर्मलेस है. ठीक है, सुप्रीम है, सुप्रीम गॉड वो फॉर्मलेस है, मतलब कि वो है लेकिन आप उसको देख नहीं सकते. ठीक है, जो ये सब आइडल वाइडल की पूजा आप लोग कर रहे हैं वो सही नहीं है, जो कास्ट सिस्टम है वो सही नहीं है. आपको अगर अपना पूजा, आपको सेल्वेशन चाहिए, आपको सब चीज़ की प्राप्ति चाहिए, तो आपको अपना डिवोशन दिखाना पड़ेगा. ठीक है,
और ये सब कास्ट सिस्टम फॉलो करके या फिर मूर्तियों की पूजा करके नहीं होगा। और कबीर के जो फॉलोअर्स थे उसमें बोथ हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों ही थे, ठीक है। तो भले ही उन्होंने पुराने प्रैक्टिसेस को बोला था, रिजेक्ट कर दिया था, और उन्होंने बताया था कि फॉर्मलेस सुप्रीम गॉड है और अपना भक्ति डिवोशन दिखा सकते हैं, ठीक है, दोनों रिलीजन के प्रैक्टिस को जो है उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन फिर भी उनके फॉलोअर्स में हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों ही थे, इसलिए ये इतने इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं बाबा गुरु नानक की। तो बाबा गुरु नानक जी जो है वो तलवंडी में, जो कि अभी पाकिस्तान में, और बहुत ट्रैवल करने के बाद करतारपुर में जो है वो अपना एक सेंटर स्टैब्लिश करते हैं, जहाँ पर उनके सारे फॉलोअर्स एक साथ वर्शिप कर सकते हैं, बार बार वर्शिप कर सकते हैं। अगर आप कोई भी गुरुद्वारा गए होंगे और नहीं भी गए तो आपने लंगर के बारे में तो सुना ही होगा। लंगर में क्या होता है, कोई भी इंसान जो है जाके खाना खा सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे गुरु नानक जी ने स्टार्ट किया, तो कोई भी कास्ट का हो, कोई भी जाति का हो, ये कोई भी रिलीजन का हो, उनका फॉलोअर हो या नहीं हो, वो सब लोग एक साथ मिलके वहाँ पे खाना खाएंगे, वो होता है लंगर। और अभी जो गुरुद्वारा कहते हैं उस टाइम पे धर्मशाला था, ठीक है। तो गुरु नानक जी के डेथ होने से पहले उन्होंने अपना एक सक्सेसर चुना था, उनका नाम था लहना, और उनको हम लोग गुरु अंगद के नाम से जानते हैं। गुरु अंगद ने जितने भी कॉम्पोजिशन थे गुरु नानक के उनको कंपाइल किया था गुरमुखी में, ठीक है। गुरमुखी जो है आप कह सकते हो पंजाबी, एक तरीके से पंजाब की लैंग्वेज है गुरमुखी, मतलब कह सकते हो स्क्रिप्ट है, ठीक है, लैंग्वेज नहीं स्क्रिप्ट है। और गुरु अंगद के बाद जो तीन उनके सक्सेसर होते हैं वो भी नानक के नेम पे ही सारा चीज़ कंपोजिशन करते हैं, कंपाइलेशन करते हैं, और लास्ट में जो गुरु अर्जुन है वो इन सब का कंपाइलेशन करते हैं और चीज़ें ऐड करते हैं, बाकी के फिगर्स का ऐड करते हैं, जैसे शेख फरीद का, संत कबीर का, भगत नामदेव का और गुरु तेग बहादुर का। फिर 1706 में इनकी जो कंपाइलेशन होती है वो ऑथेंटिकेशन करते हैं गुरु अर्जुन के सन गुरु गोविंद सिंह, और उसके बाद जो है वो गुरु ग्रंथ साहिब बनती है जो कि होली स्क्रिप्चर है सिख की, ठीक है। तो जैसे भागवत गीता हिंदुइज्म की हो गई, कुरान हो गई मुस्लिम्स की, उसी तरह सिख की है गुरु ग्रंथ साहिब। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि गुरु नानक जी ने जो है जो स्टार्ट किया था, लंगर का स्टार्ट किया था, ठीक है, और गुरुद्वारा का स्टार्ट किया था, उन सारे चीज़ को कंपाइल किया गया गुरु अंगद के द्वारा। गुरु अंगद गुरु नानक के सक्सेसर थे। गुरु अंगद ने गुरु नानक जी का सारा कंपाइलेशन किया, गुरु अंगद के बाकी के तीन जो सक्सेसर थे उन्होंने सारी चीज़ का कंपाइलेशन किया। फिर आते हैं गुरु अर्जुन जिन्होंने इन सब का कंपाइलेशन किया और कुछ आगे के फिगर्स का भी जोड़ा, जैसे शेख फरीद, संत कबीर, भगत नमद और गुरु तेग बहादुर। गुरु अर्जुन ने सारे सिख जो भी गुरुज थे उनका और बाकी के फिगर्स का कंपाइलेशन किया, और फिर गुरु अर्जुन के जो बेटे आते हैं गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने इन सब चीज़ का कंपाइलेशन करके गुरु ग्रंथ साहिब बनाई जो कि ये होली बुक है सिक्स की। तो गुरु नानक जी के फॉलोअर्स के बारे में बात की जाए तो धीरे धीरे सिक्स सेंचुरी के बाद से उनकी फॉलोअर्स जो है बढ़ती गई, ठीक है, और उनके सक्सेसेस में भी फॉलोअर्स और ज़्यादा बढ़ते गए। तो गुरु नानक जी ये बोलते थे कि जितने भी लोग हैं, ठीक है, वो कुछ प्रोडक्टिव काम करें, ठीक है, कुछ अच्छे ऑक्यूपेशन, कुछ अच्छा काम करें ताकि सबका फ़ायदा हो सके, और वो अपने काम से जो मतलब कह सकते हो कि जो अभी लोग घर में काम करते हैं, ठीक है, वो कुछ परसेंट कुछ चीज़ टैक्स के तौर पे देते हैं, तो उसी तरीके से जो लोग काम करेंगे अपना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन दें जनरल फंड्स में, ठीक है। तो 7th सेंचुरी तक जो अमृतसर है जिसको रामदासपुर बोलते हैं वहाँ पे एक गुरुद्वारा बनता है हरमंदर साहिब, ठीक है, जिसको हम लोग आज गोल्डन टेम्पल भी बोलते हैं। हरमंदर साहिब के आसपास जो है धीरे धीरे जो टाउन है वो डेवलप करना स्टार्ट करता है। हमने देखा था बहुत सारे चैप्टर्स में जो टेम्पल्स होते थे वो सब के अराउंड जो है टाउन डेवलप करता था। तो 17th सेंचुरी तक जो टाउन था रामदासपुर का अमृतसर में वो भी धीरे धीरे डेवलप किया था हरमंदर साहिब के आसपास, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो कि टाउन डेवलप कर रहा है मतलब गुरुद्वारा के आसपास, ठीक है, जनरल फंड्स आ रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि एक स्टेट बनता जा रहा है, इंडिपेंडेंट स्टेट, ठीक है। तो जो मुगल एम्पायर थे जहांगीर, वो सोचते थे कि अगर ये स्टेट स्ट्रांग होता रहा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, तो उन्होंने जो है गुरु अर्जुन का एग्जीक्यूशन के लिए बोल दिया कि गुरु अर्जुन का एग्जीक्यूशन कर दिया जाए। और धीरे धीरे क्या हुआ, जो सिख मूवमेंट था वो पॉलिटिसाइज होने लगा और 7th सेंचुरी तक क्या हुआ, खालसा आया, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा का एस्टैब्लिशमेंट किया और जो खालसा पंथ था वो एक पॉलिटिकल एंटिटी बन गया।
तो गुरु नानक ने बस स्टार्ट क्या किया था कि जितने लोग हैं वो कुछ प्रोडक्टिव काम करें और कंट्रीब्यूशन करें कम्युनिटी का। जो गोल्डन टेम्पल एक गुरुद्वारा था हरमंदर साहिब, उससे क्या हुआ, जो टाउन ऑफ अमृतसर था, ये रामदासपुर था उसका पहला नाम, वो धीरे धीरे डेवलप करने लगा। इससे पंजाब एक इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह काम करने लगा। तो जहांगीर ने गुरु अर्जुन, उस टाइम जो थे गुरु, उनके एग्जीक्यूशन का ऑर्डर कर दिया गया। उसकी वजह से जो सिख मूवमेंट था वो पॉलिटिसाइज हो गया और खालसा पंथ एक पॉलिटिकल एंटिटी बन गया। तो जैसे जो भी डेवलपमेंत हम देख रहे हैं को मिल रहा है 6th-7th सेंचुरी में, उससे क्या हुआ, जो भी सिख मूवमेंट था वो देखने को मिल रहा था हम लोग को। अब जो गुरु नानक जी के आइडियाज थे, ठीक है, उसमें थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो था ही, क्योंकि गुरु नानक जी का जो आइडिया था वो था वर्शिप ऑफ वन गॉड। ठीक है, एक ये था जो कि मुस्लिम्स में भी कॉमन था, वर्शिप ऑफ वन गॉड। फिर ये डिस्क्रिमिनेशन को जो है पूरी तरीके से रिजेक्ट कर चुके थे। वो चाहते थे कि उनका एक एक्टिव लाइफ हो जिसमें सब लोग एक प्रोडक्टिव काम कर रहे थे। उन्होंने टर्म्स यूज़ किया था नाम, दान और स्नान। ठीक है, नाम मतलब राइट वर्शिप, दान मतलब वेलफेयर ऑफ अदर्स, और स्नान मतलब प्योरिटी ऑफ कंडक्ट। मतलब आप सही तरीके से डिवोशन दिखाइए, अब सबका वेलफेयर सोचिए और सही तरीके से कीजिए। और इसके अलावा उनकी जो टीचिंग्स थी उसमें थे नाम जपना, कीर्त करना और बंद छकना, जिसका मतलब है नाम जपना मतलब राइट बिलीफ एंड वर्शिप, कीर्त करना मतलब ऑनेस्ट लिविंग, और बंद छकना मतलब हेल्पिंग अदर्स। ठीक है, राइट बिलीफ एंड वर्शिप, ऑनेस्ट लिविंग एंड हेल्पिंग अदर्स। तो हम ये देखने को मिल सकता है कि इसमें मतलब पहले जो बाकी के लीडर्स थे उसमें तो सिर्फ ये था कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप जो जो भी गॉड है वो एक है, बहुत सारे लोगों का मानना था एक है, बहुत सारे लोगों का मानना था बहुत सारे, मतलब ये था कि गॉड फॉर्मलेस है, आप डिवोशन के थ्रू कर सकते हो, लेकिन किसी भी चीज़ का आप और चीज़ नहीं देख रहे थे। लेकिन गुरु नानक की टीचिंग्स में हमें देखने को मिला कि उनका कहना था कि आप जो है प्रोडक्टिव बनिए। ठीक है, फिर इक्वालिटी तो खैर सब लोग चाह ही रहते हैं, ठीक है, लेकिन जो प्रोडक्टिव बनिए, सब सही तरीके से काम कीजिए, सही तरीके से काम, एथिकल वे में काम कीजिए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों की वजह से इन कुछ इम्प्लीकेशन थोड़े ज़्यादा हुए थे। तो ये इनके टीचिंग्स कुछ हद तक डिफरेंस है बाकी लोग से, क्योंकि इसमें वो थोड़ा और ज़्यादा इम्पैक्टफुल करते हैं। ठीक है, लोगों को काम खुद से करना, प्रोडक्टिव वे में काम करवाने पे मजबूर करना, मजबूर करना नहीं मतलब उनको इंस्पायर करना कि आप प्रोडक्टिव वे में काम कीजिए, ये सब चीज़ें करके जो है ये थोड़ा बहुत जो है डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है, जिन जो भी मूवमेंट का डेवलपमेंट हुआ था सिख में, उनका ये सब टीचिंग्स का थोड़ा बहुत हाथ था। तो इसलिए जो गुरु नानक जी का टीचिंग्स था वो थोड़ा अलग है बाकी के टीचिंग्स से। तो इस चैप्टर में इतना ही। आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल।